हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, आज की इस वीडियो के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा हल करेंगे, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से। तो आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, और आपको पता होगा यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो उसके अंदर हमने ये भी देखा था कि हमने एक जो टेबल पढ़ी थी, मैंने बताया था कि संपाति कब होती है, प्रतिच्छेद क्या होती है और समांतर कब होती है। तो मैंने आपको वहाँ पे कुछ किरणों के बारे में उनका हल भी बताया था। तो अब हमारे वो काम आएगी, मैंने कहा था कि वो इम्पोर्टेंट है। तो जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था तब तो हमारे इतने वो काम नहीं आए थे, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें उनकी ज़रूरत होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए, अनुपात तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर समांतर है या फिर अथवा संपाती है। इसके तीन पार्ट दिए गए हैं, तीनों को हम इनका हल करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, 5x-4y+8=0 और 7x+6y-9=0। तो चलिए करते हैं इसका हल। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका पार्ट नंबर 1। तो देखिए, हम इसके सबसे पहले हमें दो इक्वेशन दी गई है। इन दो इक्वेशन से हमें ये पता लगाना है कि ये संपाती है या फिर समांतर है या फिर प्रतिच्छेद करती है। तो सबसे पहले आपको हम करेंगे कि इनमें लिखना है कि इनकी तुलना करने पर, किससे तुलना करने पर, तुलना भी करनी है और किससे तुलना करनी है, तुलना करने पर वो भी रेखा समीकरण युग्म से जब हम तुलना करेंगे, अर्थात रेखा समीकरण क्या होती है हमारे पास, AX² + BX + C, अर्थात सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, ये होता है। अब इससे तुलना करनी है, क्या करनी है, इससे तुलना करनी है। या तो अब जब इससे तुलना करेंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा, ध्यान से देखना कि एक बार मान लो कि ये क्या है, 1 है और ये भी 1 है और ये 1 है। इसी प्रकार एक और रख लेना, A2X² + B2X + C2, अर्थात जो यहाँ मान दिया गया है वो A1 B1 C1 का दिया गया है, X² का गुणांक है वो A2 B2 इस प्रकार दिया गया है। तो इससे तुलना करनी है हमें, यहाँ पे सॉरी X है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए कहने का मतलब इससे तुलना करनी है हमें। तो देखिए, सबसे पहले हमें ए का मान कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, और बी का ए बी का मान यहाँ से मिलेगा और सी का मान यहाँ से मिलेगा। तो समझिए, देखिए हमें रटना नहीं है, हमें समझना है, तो टाइम 5 मिनट क्यों ना ज़्यादा लग जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इसे तुलना करेंगे तो हमें पता है कि A1 का मान है वो x का गुणांक है, x का गुणांक क्या A1 है और यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 5 है। तो देखिए समीकरण फर्स्ट से लिखता हूँ मैं, समीकरण फर्स्ट से देखिए जो सबसे पहले आएगा वो A1 B1 C1 का मान आएगा। तो A1 का मान क्या है, x का गुणांक क्या है, तो देखो पहले इक्वेशन लिखता हूँ मैं, 5x-4y+8 = क्या है, 0। तो यहाँ से देखिए क्या है, A=5 और B=, क्या है यहाँ पे देखिए, y का गुणांक क्या है, सॉरी मैंने थोड़ी सी इक्वेशन गलत लिख दी, AX+BY+C होता है, ठीक है, AX+BY+C होता है। तो देखिए, तो y का गुणांक क्या है यहाँ पे, अर्थात B = क्या आ जाएगा, -4 और C = क्या आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा। इसी प्रकार हमारी दूसरी इक्वेशन है उसको लेते हैं, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, 7x+6y-9=0। तो देखिए इसी प्रकार यहाँ से भी हम लिख लेंगे, A = क्या आ जाएगा हमारे पास, 7, क्योंकि x का गुणांक क्या है, 7 और b का मान ये रहा और c का मान ये रहा, तो B = क्या आ जाएगा, 6 और C = क्या आ जाएगा, -9। तो इस प्रकार देखो, A का मान आ गया, A1 का मान आ गया, B1 का मान आ गया, C1 का मान आ गया, A2 का मान आ गया, B2 का मान आ गया, C2 का मान आ गया। पहली इक्वेशन A1x B1y C1 है, दूसरी क्या है, A2x B2y और C2 है। तो अब देखिए क्या करते हैं, अब हमारे पास इसके मान आ गए और अब इससे तुलना करने के लिए कहा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको ये देखना है कि देखिए A1 A2 = है
बी वन बी टू बराबर है सी वन सी टू, अर्थात इनकी मान निकालनी है। यदि ये तीनों बराबर आ जाए हैं, यदि ये तीनों बराबर आ जाती हैं तो वह क्या कहलाती है? तो हमने पढ़ा था यदि ये तीनों बराबर आ जाती है तो वह संपाति कहलाती है। क्या कहलाती है? संपाति। यदि ये तीनों अलग अलग आती है तो वो प्रतिच्छेद कहलाती है। यदि ये दो बराबर आ जाती है और ये बराबर नहीं है तो ये क्या कहलाती है? समांतर कहलाती है। तो देखिए फ्रेंड, अब हमें वैल्यू रखे देखनी है। तो देखिए सबसे पहले ए वन की वैल्यू क्या है, ए वन की जगह रखना, ए वन की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 है मैंने रखा, ए टू की वैल्यू क्या है 7 है बराबर बराबर, बी वन की वैल्यू क्या है माइनस का 4 और बी टू की वैल्यू कितनी है 6 और सी वन की वैल्यू कितनी है 8 और सी टू की वैल्यू माइनस की 9। देखिए अब इसे हम और भी काट सकते हैं, लेकिन अगर काट भी देंगे तो देखिए क्योंकि देखना कि इसमें भी 2 का भाग जाए, 2 दूनी 4 और 2 3 6, यहाँ से माइनस का 2/3 आ गया। क्या ये इसके बराबर है या फिर यह इसके बराबर है? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये इसके बराबर नहीं है, अर्थात ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू के। अर्थात यदि दोनों बराबर नहीं है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? अब चलिए मैं उस बुक के पेज की बात करता हूँ जहाँ पर हमने वो टेबल पढ़ी है, अब आपको पता चलेगा कि उस टेबल का क्या महत्व था। तो देखिए फ्रेंड्स, वो टेबल निकालता हूँ मैं, एक मिनट। वो टेबल थी हमारी ये, देखो कि यदि ए वन अपॉन ए टू का और बराबर बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू हो तो वो प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देगी। यदि ग्राफीय निरूपण देखेंगे, यदि बीजगणितीय निरूपण देखेंगे तो उसका केवल एक हल या अद्वितीय लिख सकते हैं। यदि तीनों बराबर है तो संपाति रेखा आएगी, यदि बीजगणितीय रूप में उसका अपरिमित हल होगा। यदि वो दोनों बराबर नहीं हो, दो बराबर हो और एक अलग हो तो वो समांतर रेखा ही कहलाती है, और समांतर रेखा हमें पता है कभी नहीं मिलती है तो उसका कोई हल नहीं होता है। तो इसका क्या आएगा फ्रेंड्स हमारे पास? इसका आएगा कि केवल एक अलग और प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ से देखिए, यदि हम यहाँ से क्या देखें, मैं कहूँ यहाँ से मैं बीजगणितीय हल देखूँ तो क्या आएगा? बीजगणितीय हल क्या होगा? केवल एक, अर्थात अद्वितीय होगा, केवल एक होगा क्योंकि हमने टेबल से पता किया केवल एक होगा। और ग्राफीय निरूपण देखूँ तो मैं यहाँ से क्या आएगा? ग्राफीय निरूपण हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारी रेखा क्या आएगी? प्रतिच्छेद आएगी, अर्थात ग्राफीय निरूपण से प्रतिच्छेद प्राप्त होगा, अर्थात प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। यही हमारा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना है। देखिए आई सपोज कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझा होगा। मानता हूँ कि मैं आज की वीडियो में थोड़ा आपको इसकी जो क्लैरिटी है वो साफ नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जो अब ये वीडियो बनाने का टाइम है, अब नाइट के लगभग 11:30 या 35 मिनट हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, मैं देखो आपके लिए रात में वीडियो बनाता हूँ, तो आप अपने लिए क्या इन सवालों को हल नहीं कर सकते? क्या अपने भविष्य के लिए इन सवालों को हल नहीं कर सकती है? और आप एक आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप मेरे लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो मांगता हूँ, वो नहीं कर सकती? तो देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर। तो मैं ही आपसे यही आशा करता हूँ कि आप इसे हल करके देखेंगे ज़रूर। तो इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका पार्ट नंबर 2। तो देखिए पार्ट नंबर 2 में भी आपको वैसे ही प्रोसेस करनी है जैसे कि आपने पार्ट नंबर फर्स्ट में की थी। पार्ट नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आपको पूरा का पूरा लिखना है कि इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानती हैं और इक्वेशन नंबर 2 मानती हैं। तो आपको लिखना है कि तुलना करने पर, वो भी किससे तुलना करने पर, रेखा समीकरण से तुलना करने पर, तुलना करने पर। तुलना करने पर तो देखिए जब तुलना करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स? यहाँ से आपको देखिए, सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में बताया है कि ए वन ए टू का मान क्या है। आपको यहाँ से डायरेक्ट आपको लिखना है कि डायरेक्ट आपको ये तो लिखना है कि तुलना करने पर, आपको ये भी लिखना है किससे तुलना करनी है, कि ax प्लस by प्लस c से तुलना करने पर।
तुलना करने पर। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से लिखूँगा ए वन और ए टू और बी वन ए थ्री की मान लिखूँगा। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, ए वन इजिकल टू, सबसे पहले ए वन इजिकल टू फर्स्ट समीकरण मैं लिख लेता हूँ फ्रेंड्स एक बार। फर्स्ट समीकरण क्या है, 9x+3y+12 इजिकल टू 0। तो यहाँ से ए वन इजिकल टू मेरे पास कितना आएगा फ्रेंड्स, 9 आएगा, क्योंकि इसका गुणांक है, और बी वन इजिकल टू 3 और सी वन इजिकल टू क्या आ जाएगा मेरे पास है, सी वन इजिकल टू 12 आ जाएगा। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर टू भी लेता हूँ। इक्वेशन नंबर टू क्या है मेरी, समीकरण नंबर टू से 18x+6y+24 = 0। इसी से मैं क्या ए वन ए टू और ए थ्री की मान, देखो इसमें हमने ए वन बी वन सी वन की मान निकाली, अब क्या निकालेंगे, दूसरी समीकरण है तो ए टू का मान 18 और बी टू का मान 6 आ जाएगा और सी टू का मान 24 आ जाएगा, ये मान आ गया। अब हमें पता है कि हमें किस में रखना है, ए वन ए टू का मान निकालना है और बी वन बी टू का मान निकालना है। तो ए वन ए टू दिखता हूँ मैं, ए वन ए टू बराबर है बी वन बी टू सी वन सी टू। आपको ये लिखना नहीं, मैं तो आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन वाला कंडीशन दे देगा कि आपने ये बराबर कर दिए हैं ये तीनों को, और फिर बाद में आप कह रहे हैं कि ये बराबर नहीं है, तो ये कैसे सत्य हो सकता है। मैंने को आपको समझाने के लिए कहा है कि यदि बराबर है तो बराबर कर दूंगा बाद में, यदि नहीं है तो मैं यहाँ पे क्रॉस कर दूंगा। देखना फ्रेंड्स, ए वन का मान क्या था, 9 था, मैं लिखता हूँ ए वन का मान 9, ए टू का मान 18, ठीक है, और बी वन का मान क्या था फ्रेंड्स, 3, और बी टू का मान 6, सी वन का मान फ्रेंड्स 12 और सी टू का मान 24 दिया गया है। तो देखिए मुझे पता है कि ये पूरा कट रहा है, जहाँ से कटे मतलब जहाँ से कैंसिल हो वहाँ तक आपको काटना है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, अर्थात तीनों में 1/2, 1/2 आ रहा है। तो मैं लिख देता हूँ 1/2 = 1/2 = 1/2, अर्थात मेरे पास तीनों वैल्यू समान आ गई हैं। तो देखिए बीजगणित के हल क्या हो जाएगा, यदि यदि देखो तीनों रूप बराबर आ जाते हैं, तो यदि तीनों ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू तीनों के मान बराबर आ जाती हैं, तो हमारा ग्राफ ये क्या होता है, जो ग्राफ ही निरूपण ग्राफ ही हल है वो क्या होता है, और जो बीजगणितीय हल है वो क्या होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अब देखिए इसमें दिया गया है कि यदि ए वन ए टू बराबर हो बी वन बी टू के और सी वन सी टू के, तो संपाती रेखाएँ कहलाती है, और ग्राफ ये बीजगणितीय निरूपण हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, क्या होंगी अनेक हल, तो आपको लिख देना है बीज बीज गणितीय रूप में, बीज गणितीय रूप में क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगी। देखिए फ्रेंड्स यदि आप समझेंगे तो कुछ रटने वाली चीज नहीं है, कोई भी हार्ड चीज नहीं है। यदि आप रटने की कोशिश करेंगे तो आप ओनली एक रट्टा सिस्टम के अंदर रह जाएंगे, उससे आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार यदि मैं ग्राफीय हल पूछूं, अर्थात ग्राफीय निरूपण में पूछूं, ग्राफीय निरूपण में क्या होंगे, ये यदि तीनों बराबर हो तो क्या कहलाती है, संपाती रेखा कहलाती है, संपाती रेखाएं कहलाती है। ठीक है, संपाती रेखा होगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपका पार्ट नंबर टू था। तो देखिए फ्रेंड्स ये था आपका पार्ट नंबर, मानता हूँ कि आज थोड़ी वॉल्यूम दे रही है क्योंकि नाइट का टाइम है, इतनी फास्ट नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी आपसे आशा करता हूँ कि आपको मेरी वॉइस है वो साफ सुनाई दे रही होगी। लेकिन फ्रेंड्स आपको वॉइस पर न जाकर आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप एक बार वीडियो वापस देखना, फिर तो आपको पक्का ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत धीरे धीरे और बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन को समझाया है। आप तो बस थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको क्वेश्चन 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसके चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका पार्ट नंबर 3, वापस यही प्रोसेस करनी है, बिल्कुल इजी सा है। सबसे पहले इसी पार्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसी इक्वेशन नंबर सेकंड, और आपको लिखना है कि रेखा समीकरण
रेखा, समीकरण, युग्म से तुलना करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। जब आप इनकी तुलना करेंगे तो समीकरण क्या है, माई 6x-3y+10। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ से ए वन का मान क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 6। आपको लिखकर नहीं दिखाना, यदि आप लिखकर दिखाते हैं तुलना करने पर, वो इक्वेशन लिखते हैं एक ए एक्स बी वाई यदि तो भी अच्छा, यदि नहीं लिखते हैं तो भी आपके पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। ए वन बराबर 6 है, बी वन बराबर क्या आएगा, -k3, और सी वन बराबर 10 आएगा। इसी प्रकार हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 से क्या थी माई 2x-y+9=0। तो यहाँ से हमारा, अब देखिए किसका मान आएगा, ए वन का मान आ गया, तो यहाँ से हमारा ए टू का मान आ जाएगा 2, और बी टू का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 आ जाएगा, और सी टू का मान 9 आ जाएगा। ये हमारी इनका मान आ गया। अब क्या करती हैं हम, ए वन ए टू को निकाल के देखती हैं, तो ए वन का मान 6, ए टू का मान 2, इसी प्रकार बी वन का मान -3, और बी टू का मान -1, इसी प्रकार सी वन का मान 10, और सी टू का मान 9। तो देखिए मुझे पता है कि -1 से -1 कैंसिल, और 2 को जब 6 में डिवाइड किया तो 3 आ गया। यहाँ से देखिए 3 बराबर है 3 की, और बराबर है 10/9 की, अर्थात ये तो बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ए वन ए टू बराबर है बी वन बी टू के, लेकिन नॉट इक्वल टू सी वन सी टू के, अर्थात सी वन सी टू के बराबर नहीं है। तो यहाँ से देखिए मैं लिख सकता हूँ कि बीजगणितीय रूप में इसका हल क्या होगा, बीजगणितीय रूप में हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है क्यों नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और यदि ग्राफीय यदि हम ग्राफ में बनाएंगे, ग्राफीय निरूपण में, निरूपण ग्राफीय निरूपण में क्या आएगी, समांतर रेखा आती है, समांतर रेखा। तो देखिए फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन। तो देखिए यदि हम ग्राफ बनाती है ना, तो कुछ हमारा देखिए, मान लो कि ये ग्राफ है हमारा, तो वहाँ पे देखिए एक ऐसी रेखा आएगी और एक ऐसी, अर्थात वो ऊपर भी आ सकती है, अर्थात दोनों समांतर आएगी, कहीं अपने आप को क्रॉस नहीं करेगी, तो उनको बोलते हैं समांतर रेखा। इससे हमें पता चल जाता है कि ग्राफीय निरूपण उसका समांतर आता है या फिर समपातित आती है या फिर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो इस क्वेश्चन का अर्थ, या इस क्वेश्चन का अर्थ यही था। तो फ्रेंड्स यदि मैं आपको फिर बता दूं कि जो टेबल से जो कि इक्वेशन आया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत, यहाँ से आने की लगभग पूरी संभावना है, आप इसे जरूर हल करना। तो फ्रेंड्स हमने आज बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन नंबर 2 का हल किया है। यदि आपको हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी पढ़ाई है वो रेगुलर चलती रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, हम मिलते हैं चैप्टर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।